नोएडा में गैंग रेप की हैरान करने वाली वारदात। 3 लड़कियों के साथ 9 लोगों ने किया रेप। नोएडा के फार्म हाउस पर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने किया गैंगरेप के 7 आरोपियों को गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आए और अपना चेहरा छिपा रहे इन 7 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस ने शिकायत मिलते ही बिना किसी देरी के इस वारदात में शामिल 9 में से 7 लोगों को धर दबोचा। सुबह 5 बजे 100 नंबर पे ये सूचना प्राप्त हुई। एक महिला ने सूचना दी कि उसके साथ और उसकी 2 सहेलियों के साथ रेप की वारदात हुई है। इस पे हमारे इंस्पेक्टर एक्सप्रेसवे ने तत्काल मौके पे पहुंच के आइडेंटिफाई किया कहाँ पे रेप की घटना हुई। पता ये लगा कि वो एक फार्म हाउस है सेक्टर 135 थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में। पुलिस के मुताबिक पीड़िता महिला सेक्स वर्कर है। शिकायत के मुताबिक तीनों महिलाएं बुधवार रात लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर अपने क्लाइंट का वेट कर रही थी। तभी एक टैक्सी में सवार 2 लोग पहुंचे और 3,000 रुपए में सौदा तय हुआ। 3 महिलाएं टैक्सी में बैठकर दिल्ली से नोएडा के सेक्टर 135 के फार्म हाउस आ गई, जहां पर पहले से ही 7 लोग मौजूद थे। बताया ये जा रहा है कि ये तमाम जो लोग हैं वो फार्म हाउस में काम करते हैं, साथ ही साथ इसमें एक ओला कैब का ड्राइवर भी है जो कि इन दोनों महिलाओं को लाजपत नगर से लेकर आया था। फिलहाल ओला कैब का जो ड्राइवर है पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में 2 लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये लोग जब आई थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 7 अन्य लोग वहाँ पर आ गए और इनके अनुसार ज़बरदस्ती इनके साथ रेप किया गया और फिर उक्त घटना के बाद मोटरसाइकिल से इन्हें थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में ही पड़ने वाले पुश्ते पे छोड़ दिया गया। जैसे तैसे महिलाएं पुलिस के संपर्क में आईं और फिर शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले में 2 लोग फरार हैं। हमारे इंस्पेक्टर एक्सप्रेसवे ने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई इसमें की और बहुत अच्छा काम करते हुए 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की है। 2 अभियुक्त अभी नहीं पकड़े जा सके, वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे, तो ये इसमें कार्रवाई हुई है। इसी के साथ ये भी स्पष्ट मैं करना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ाई, र्यूमर्स उड़ाए कि गन पॉइंट पे रेप हुआ है और इस तरीके से हुआ है, तो ऐसी इसमें बात नहीं पाई गई है। जिस फार्म हाउस पर महिलाओं के साथ रेप किया गया उसे पुलिस ने सील कर दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। सेक्टर 135 इलाके में कई अवैध फार्म हाउस बने हैं जिनमें अक्सर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। अब पुलिस इस इलाके के अवैध फार्म हाउसों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है।